शिवपुरखीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद में 3 महिलाओं से गैंगरेप की वारदात। लखीमपुरखीरी थाना सदर क्षेत्र के महेवागंज में 2 सगी बहने व 1 मौसी समेत 3 महिलाओं से गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है, जब दोनों बहनें अपनी मौसी के साथ खेत पर मजदूरी करने गई थी, जहां 5 युवकों ने उनके साथ हैवानियत भरे गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़ित महिलाओं ने 5 लोगों पर आरोप लगाया है। महिलाएं सदर कोतवाली पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने दूर के रिश्ते के नाना और अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के लगाए आरोप। जनपद खीरी में 2 सगी बहनों समेत 3 महिलाओं से गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। इनमें से 2 सगी बहनें भी शामिल हैं। इसके अलावा एक अन्य महिला लड़कियों की मौसी है। बताया जा रहा है कि मामला शुक्रवार का है, जब दोनों बहनें अपनी मौसी के साथ खेत पर गई थीं, जहां 5 युवकों ने उनके साथ हैवानियत भरे गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़ित महिलाओं ने 5 लोगों पर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़ित महिलाओं को खेत में काम करने के बहाने लेके गए थे आरोपी। पीड़ित महिलाओं ने ये बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे खेत में काम करने के लिए बुलाया गया था। यहाँ खीरा ककड़ी के खेत में काम करना। सगी बहनों के मामा ने बताया कि खेत में काम करने के बाद जब लड़कियों ने पैसे मांगे तो आरोपियों ने कहा कि पहले हम लोगों से संबंध बनाओ। इसके बाद उसके साथ युवकों ने लड़कियों से संबंध बनाए। महिलाओं का कहना है कि युवकों ने हमारे कपड़े भी तार तार कर दिए। हम कोतवाली दूसरे कपड़े पहन कर आए हैं। मामला संदिग्ध, कहीं लेन देन का मामला तो नहीं है। पीड़ित महिला ने बताया कि खेत में काम करने के बदले रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन जब काम खत्म हुआ तो सिर्फ 20 रुपए ही दिए जाने लगे। जब हमने और पैसे मांगे तो हमसे संबंध बनाने की बात कही गई और दुष्कर्म किया गया। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 2 थाना क्षेत्रों में फंसा है गैंगरेप का मामला। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लड़कियों के मामा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बहरहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी अभी जवाब देने को तैयार नहीं। बताया जा रहा है कि लखीमपुर कोतवाली सदर और फूलबेहर थाना पुलिस अभी सीमा विवाद में ही उलझी हुई है। अभी ये जानकारी आ रही है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, पीड़ित की तहरीर पर ही अभी कार्यवाही हो रही है। बयानों में अंतर, फिर भी पुलिस कार्यवाही की जारी। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक खीरी विजय ढुल ने बताया है कि शुक्रवार देर शाम पुलिस चौकी महेवागंज में 3 महिलाओं द्वारा शिकायत दी गई थी कि उनके द्वारा दूर के रिश्ते में लगने वाले नाना ने खेत में काम करने के लिए लेके गए थे, लेकिन मजदूरी के बाद उनको कोई भी मेहनताना नहीं दिया गया। इसी संबंध में आज दोनों पक्षों को पुलिस चौकी महेवागंज पर बुलाया गया। इसी क्रम में पीड़ित महिलाएं आज सदर कोतवाली पहुंची, जहां पर उन्होंने अपने दूर के रिश्ते के नाना और अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। अभी बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल पीड़ित महिलाओं को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कल दिनांक 4 जून को देर शाम चौकी महेवागंज पे 3 महिलाओं द्वारा एक लिखित शिकायत दी गई, जिसमें उनके द्वारा उन्हीं के गांव के रहने वाले और दूर के रिश्ते में उनके नाना के द्वारा उनको सुबह मजदूरी पे ले जाया गया और मजदूरी के समाप्ति के बाद उनको कोई भी मेहनताना नहीं दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्षों को आज चौकी महेवागंज पे बुलाया गया था। इसी क्रम में ये तीनों महिलाएं आज थाना सदर पे पहुंची और उनके द्वारा मौखिक रूप से अपने गांव के रहने वाले अपने दूर के रिश्ते के नाना और कई अज्ञात व्यक्तियों पर दुष्कर्म संबंधी आरोप लगाए गए। कल दी गई लिखित सूचना और आज दी गई मौखिक सूचना में विरोधाभास पाया गया। आज दी गई मौखिक सूचना के आधार पर जो लिखित तहरीर महिलाओं द्वारा पुलिस को दी गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तीनों महिलाओं को पुलिस के द्वारा मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। मुख्य अभियुक्त जो महिलाओं के गांव का रहने वाला है और दूर के रिश्ते का नाना लगता है, उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना में साक्ष्य के क्रम में जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। गए 8 बजे घर से, 8 बजे चले गए ठेकेदारी में, यहाँ मोहन रहे काम कहीं नहीं चलो, गन्ना कर खीरा कर बौका नोच कहीं दिसे रुपया दिन वही बन गए ठेकेदार, रुपया उधर जेब मैया और भाग गए हमका लोगन फोन करके वहाँ पर सवाई दिन भैया क्या हुआ सरदार, फिर बलात्कार कर डाली और कपड़ा पड़ा फाट डाली, तो हम लोग मांग के यहाँ पहन कर। कितने लोग थे? 5 लोग। तुम कितने लोग कहाँ गई थी मजदूरी करने? 3 लोग। हाँ मजदूरी। कौन कौन था तुम्हारे साथ? कौन कौन? नहीं बहन भी थी तुम्हारी? नहीं।
ये दोनों है तो? हाँ, नहीं, नहीं, हमें लोगों ने तो शिकायत की तुम लोगों ने कहीं? नहीं आई हो शिकायत करने क्या? हाँ आए हैं शिकायत।